हमला हुआ कैसे, टाइमलाइन अब आपके सामने। ये टाइमलाइन बताने से पहले हमले से जुड़ी ये पांच ब्रेकिंग, क्योंकि बड़ी खबर है यूक्रेनी ड्रोन अटैक को लेकर। रोस्तोव में S-300 की यूनिट पर हमले को लेकर यूक्रेन के दागे ड्रोन ने कैसे निशाना बनाया, देखिए तस्वीर। आगे गए सभी ड्रोन। एक और बड़ी खबर, जहां रूसी एयर डिफेंस सही समय पर सक्रिय नहीं हुआ और सही समय पर ड्रोन का पता भी नहीं लगा। बड़ी खबर यह है कि 45 से ज्यादा ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन ने 10 ड्रोन मॉस्को में दागे, ब्रियांस बलगरोद पर भी हमला, रोस्तोव भी ड्रोन अटैक से दहल गया। रूस के रोस्तोव में यूक्रेन के ड्रोन अटैक को लेकर बड़ी खबर यह, जहां यूक्रेन ने ऑयल डिपो पर किया हमला और यूक्रेनी हमले के बाद ऑयल डिपो में लगी आग। मॉस्को के पास पुडल्स में भी ड्रोन अटैक, ड्रोन हमले से दहले पुडल्स को लेकर खबर है, जहां रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का भी किया है दावा। अब टाइमलाइन, क्योंकि यूक्रेन ने इस मेगा ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया। रात करीब 2:30 बजे का वक्त जब पहला हमला हुआ, हमला मॉस्को पर हुआ, एक साथ 10 ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। कुछ ड्रोन क्रेमलिन से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर गिरे। हालांकि इन सभी ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया जा रहा है। इस हमले के करीब 15 मिनट बाद दूसरा हमला, जो बेलगोरोद पर हुआ। बेलगोरोद यूक्रेनी सीमा पर है, जहां पहले भी यूक्रेन ड्रोन हमले कर चुका है। इसके बाद करीब 3 बजे का वक्त ब्रियांस रोस्तोव पर हमले हुए। 3 से 5 बजे के बीच कुछ छिटपुट ड्रोन हमले होते रहे, जिन्हें रूस ने नाकाम कर दिया। हालांकि बैक टू बैक जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, आपको बता दें अब रूस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और राष्ट्रपति पुतिन को हमले की पूरी जानकारी दे दी गई है। शीर्ष सैन्य ऑफिसर्स से रूसी रक्षा मंत्री की बैठक को लेकर खबर आई है। यूक्रेन के खिलाफ बड़े एक्शन अब रूस की तरफ से लिए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री की इस बैठक को लेकर जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक एक बड़ा सवाल यही कि आखिर बदला कैसे लेंगे पुतिन। इंफॉर्मेशन अब उसी आधार पर आपके सामने, क्योंकि कीव समेत यूक्रेन के बड़े शहरों पर अटैक संभव है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। रूसी फौज यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों में दाखिल हो सकती है और डोनेस्क के दूसरे इलाकों पर भी रूसी कब्जा संभव है। हालांकि कुर्स्क में कभी भी बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है और रूसी सेना कभी भी कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के सफाई का अभियान शुरू कर सकती है। मनीष हमारे सहयोग हमारे साथ है, साथ ही सुमित भी इस वक्त मेरे साथ है। सुमित, सवाल इसी लिहाज से कि आखिर अभी मॉस्को की जिन जगहों पर अटैक किया गया है, उस लिहाज से रूस का अगला कदम क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां सवाल कुर्स्क को लेकर, सवाल कीव। देखिए, रूस के सामने सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला और महत्वपूर्ण विकल्प है इन इलाकों को वापस अपने साथ रखना, यानी अभी जहां पर भी यूक्रेन की ऑफेंसिव ऑपरेशंस की फोर्सेस घुस गई हैं, उनको खाली कराना, उनको होल्ड अप करना। लेकिन उसमें वक्त लगेगा, उसमें 3 से 4 महीने का वक्त आराम से लग सकता है, क्योंकि जिस संख्या में जिस स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर यूक्रेन आकर बैठ गया है, उसको खाली कराना रूस के लिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि देखिए, रूस पूरी कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द उनको अपने हाथ में ले ले, लेकिन जब आप कुर्स्क की बात करते हैं, बेलग्रेड की बात करते हैं, आप इन इलाकों की, रोस्तोव के पास के इलाकों की बात करते हैं, तब रूस भले ही यहां पर लंबे समय से बैठा हो, लेकिन जिस स्ट्रेटेजी के जिस तरीके से यूक्रेन की सेनाएं कुर्स्क के अंदर घुसी हैं, उससे साफ लगता है कि उनके पीछे का बैकअप या फिर उनकी जो स्ट्रेटेजीज है वो लॉन्ग हॉल्ट की है, यानी लंबे समय तक रुकने की है, और ये रूस समझ चुका है।